आज मैं उनसे बात की, दिल दुखा होगा ना उनका। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ना इतनी बड़ी कुर्बानी ना कोई नहीं दे। इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुस्सा कहीं ना सारी तकलीफ तुम्हारी कदर हो गई मुझे, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाए, मुझे माफ कर। सब बुलाकर आए तो ये भी कह रहे थे कि किसी अपने दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी करा दे। देखो मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। तुम ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ पर आपको रिश्तेदारी निभाने की, मैं नहीं चाहता आपकी और भाई की मजीद। साथ आयजा के बाप के घर जाकर आयजा के बाप से कहता है कि मैं आयजा को लेने के लिए आया हूँ। ये देखकर आयजा भी हैरान हो जाती है कि आखिर साद किस तरह मुझे लेने के लिए आ गया है। तो लाइक अहमद साद को जवाब में कहता है कि दिल तो नहीं कर रहा कि आयजा तुम्हारे साथ भेज दूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, लेकिन आयजा एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलेगी। साद कहता है कि कैसी शर्त? तो लाइक अहमद कहता है कि आयजा तुम्हारे बाप के घर नहीं बल्कि तुम्हारी आमी के पास रहेगी। आपको अगर मंजूर है तो फिर ले जाओ आयजा को, वरना ये मेरे घर में ही ठीक है। साथ कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। लाइक अहमद कहता है कि बेटा देखो, सोच समझ कर फैसला करना, तुम अपने बाप के साथ रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब आयजा वहाँ नहीं रहेगी। तो साथ सोचता है कि आयजा को यहाँ से तो ले जाऊं, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और वो वापस उसे अपनी माँ के घर ले आता है।